तो सिनेमेटिक यूनिवर्स और कॉमिक्स में सुपर हीरो की कोई कमी नहीं है और ये सुपर हीरो एक जैसे नहीं होते और डेली प्रोडक्ट्स की तरह सुपर हीरो में भी कैटेगरी होती है जैसे म्यूटेंट ओवर पावर सुपर हीरो कॉस्मिक सुपर हीरो हीरोवेटिक सुपर हीरो रोबोट सुपर हीरो और सुपर हीरो विथ नो सुपर पावर लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ कुछ सुपर हीरो है जो परफेक्ट लेवल पर है लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनपरफेक्ट सुपर हीरो का एग्जाम्पल देता हूँ जिसे हल्के पास स्ट्रेंथ है ड्यूरेबिलिटी है और कई सुपर एबिलिटी है लेकिन हल्क के पास अपना खुद का दिमाग यूज़ करने की पावर नहीं है इसलिए हल्क एक परफेक्ट सुपर हीरो नहीं है और ऐसे ही कॉमिक्स में सेंट्री ऐसा सुपर हीरो है जिसे मानना किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि सेंट्री एक टाइप से इमोर्टल है तो वो भी एक परफेक्ट सुपर हीरो नहीं है तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में और आज हम बात करने वाले ऐसे सुपर हीरो की जो लगभग फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो जो ओवर पावर्ड या अंडर पावर्ड ना हो और जिनमें पोटेंशियल होने के साथ स्किल हो और हम जैसे सुपर फैन सुपर हीरो से कनेक्ट कर पाते हो शुरू करते हैं कैप्टन अमेरिका से तो कैप्टन अमेरिका को परफेक्ट मैन भी बोला जाता है क्योंकि स्टीव रॉजर्स पर सुपर सोल्जर सेरम का एक्सपेरिमेंट हुआ था और जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तब स्टीव रॉजर्स की बॉडी ह्यूमन के पीक लेवल तक जा पहुँची और अब जो स्टेज पर कैप्टन अमेरिका है उसके ऊपर कोई ह्यूमन फिजिकली नहीं जा सकता स्टीव रॉजर्स सुपर ह्यूमन तो है लेकिन स्टीव रॉजर्स भी ऐसे सुपर हीरो में से एक है जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है लेकिन कैप्टन अमेरिका के पास है पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एजिलिटी पीक सेंसेस एंड मेंटल प्रोसेसिंग कैप्टन अमेरिका मार्शल आर्टिस्ट है और कैप्टन अमेरिका कभी बूढ़ा नहीं होता इसलिए कैप्टन अमेरिका कभी ओल्ड होकर नहीं मरने वाला लेकिन ग्रेनेड और शोट जैसे वेपन से कैप्टन अमेरिका को मारा जा सकता है तो ओवरऑल कैप्टन अमेरिका एक पीक लेवल ह्यूमन है इसलिए कैप्टन अमेरिका को परफेक्ट सुपर हीरो बोलना गलत नहीं होगा हॉकाय हॉकाई एवेंजर का सबसे वीक सुपर हीरो है लेकिन हॉकाई के बिना एवेंजर्स अधूरी है और हॉकाय बस एक नॉर्मल ह्यूमन है जो अपने स्किल्स की मदद से एक सुपर हीरो बन गया और जो चीज़ हॉका को एक परफेक्ट सुपर हीरो बनाती है वो है अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना हॉका ने अपने फैमिली को सिक्योर तो रखा ही है लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक बच्चे को बचाने के लिए ख़ुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हो गया था बैटमैन बैटमैन एक आइकॉनिक सुपर हीरो है नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी तक बैटमैन टॉप फाइव मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो में से एक है लेकिन बैटमैन जस्टिस लीग का ऐसा सुपर हीरो है जो ना तो एलियन है और ना ही एक गॉड किलर क्योंकि बैटमैन सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है जो क्राइम को खत्म करना चाहता था लेकिन टाइम के साथ बैटमैन और वंडर वूमेन ने मिलकर जस्टिस लीग फॉर्म की और अगर मार्वल के पास टोनी टाक है तो डीसी के पास ब्रूसवेन है ब्रूसवेन बिलियनर है और ब्रूसवेन जब बैटमैन होता है तब सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद भी कर देता है बैटमैन वर्सेज सुपरमैन में बैटमैन ने लगभग सुपरमैन को मार ही दिया था लेकिन कॉमिक्स में बैटमैन ने सारे जस्टिस लीग मेंबर की डिफिटिंग फाइल तक क्रिएट की थी ब्लैकवुड और फर्स्ट फीमेल कोर एवेंजर है और भले ही कैप्टन मार्वल एम सी यू की सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल सुपर हीरो हो लेकिन जो काम ब्लैकविडो कर सकती है वैसे शायद ही कोई नॉर्मल ह्यूमन सीक्रेट एजेंट कर पाए जैसे हल्क को शांत करना और वाकांडा में एलियन से हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट करना ब्लैक ब्लैकविडो का इम्यून सिस्टम काफ़ी एनहांस्ड है और ब्लैक ब्लैकविडो प्लैनिट अर्थ के लगभग सारे वेपन्स को आराम से यूज कर सकती है वुल्वरिन वुल्वरिन एक म्यूटेंट था लेकिन ये बात हम सबको पता है कि वुल्वरिन एक इंडिस्ट्रक्टेबल मशीन था और वुल्वरिन के पास बाकी एक्समैन जैसे एक्स्ट्रॉडनरी पावर्स नहीं थे जैसे फ्यूनिक्स फोर्स या मैग्नेटिक मैनिपुलेशन लेकिन हम फैंस पिछले कई डेगेट से वॉल्वर को पसंद किया है क्योंकि वॉल्वर एक परफेक्ट सुपर हीरो है वॉल्वर का बिहेवियर प्रेजेंस और अपने आखिरी दम तक फाइट करना फैंस को काफ़ी अट्रैक्टिव लगा यहाँ तक कि यूथ जैकमैन जो वॉल्वर का रोल प्ले करते हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वॉल्वरिन के बॉडी पर आते थे जिसका मतलब काफ़ी फैंस वॉल्वर जैसे बनना चाहते थे और यही बात वॉल्वर को परफेक्ट बनाती है विजन विजन एक ऐसा रोबोट था जिसमें इमोशनल फीलिंग्स और सोचने की ताकत थी विजन को किसी एक कैरेक्टर ने नहीं बनाया था अल्ट्रॉन ने विजन को बॉडी दी टोनी ने जार्विस को विजन में डाला और थॉर ने विजन को ओवर पावर करके जिंदा किया जिसकी वजह से विजन स्ट्रांग है स्मार्ट है और वर्दी भी है यहाँ तक कि विजन ने ह्यूमैनिटी के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी कर दिया था ब्लैक पैंथर ब्लैक पैंथर एक किंग और एक सुपर हीरो है लेकिन अभी तक ब्लैक पैंथर ऑफिशियल एवेंजर नहीं बना लेकिन ब्लैक पैंथर पूरी कंट्री चलाता है और वाकांडा को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे आगे भी रहता है ब्लैक पैंथर एम सी यू की सबसे स्मार्ट और रिचेस्ट सुपर हीरो में से एक है और ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है जो एम सी यू का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है ब्लैक पैंथर फाइटिंग स्किल्स का मास्टर है और ब्लैक पैंथर के पास सारे लेट ब्लैक पैंथर की नॉलेज और एक्सपीरियंस है आयरन मैन एम सी यू ने अपनी शुरुआत आयरन मैन से की थी और आज आयरन मैन एम सी यू की स्पाइनल कॉर्ड है लेकिन आयरन मैन एक टोनी स्टाफ क्या क्या कर सकता है यह हम सबको पता है टोनीस्टाक के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में टोनस्टाक के सामने कोई नहीं है टोनीस्टाक के सूट और काम में एक बात जरूर मिलेंगी वो है परफेक्शन टोनी ने मार्क वन केव में बनाया था और मार्क फिफ्टी के दम पर टाइटन पर थेनो से फाइट करने चला गया था और आयरन मैन बनने से पहले टोनी टोनीस्टाक जीनियस बिलियनर और एक फिलेंट्रोपिस्ट था और ये चीज़ सब लोगों के पास नहीं होती है लेकिन फिर भी टोनी टोनीस्टाक हमेशा परफेक्ट रहने की कोशिश करता है और फ्यूचर की सोचता है सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए थॉर ने थेनस को मारने की प्लानिंग रेगनोरॉक के, के बाद की थी लेकिन टोनी ने छः साल पहले न्यूयॉर्क बैटल के बाद स्टार्ट कर दी थी और इस बात से पता चलता है कि टोनी मेंटल लीग सबसे कितना अलग है एक्वामैन एक्वामैन जस्टिस लीग के फाउंडिंग मेंबर में से एक है और साथ में एक्वामैन मैन एटलांटिस का राजा भी है एक्वामैन एक परफेक्ट सुपर हीरो इसलिए है क्योंकि एक्वामैन डीसी के बाकी सुपर हीरो की तरह गॉड लेवल पर नहीं है एक्वामैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे हम फैंस ने जस्टिस लीग में काफ़ी पसंद कर लिया था और बैटमैन की तरह हम फैंस एक्वामैन से भी काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं फाइनली थॉर थॉर एक एसगार्डियन एवेंजर गॉड ऑफ थंडर और प्रोटेक्टर है नाइन रियलम्स का थॉर परफेक्ट सुपर हीरो में इसलिए है क्योंकि थॉर एवेंजर का इंपॉर्टेंट मेम्बर है साथ में एसगार्डियंस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में थॉर ने अपनी एक आग गवा दी वाकांडा को जंगली एलियन से बचाया और सब कुछ खोने के बाद भी स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी अपने बॉडी से पास की सिर्फ ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और थेनस को डिफीट करने के लिए और थॉर के पावर टाइम के साथ काफ़ी इंक्रीज हुई है लेकिन टाइम के साथ थॉर ने अपने मदर फादर ब्रदर फ्रेंड होम एस गार्ड और एस गार्डियंस को खो दिया और अब स्ट्रोम ब्रेकर के अलावा थौर के पास अपना बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो ये थे ऐसे सुपर हीरो जो सिनेमैटिक यूनिवर्स में परफेक्ट लेवल पर है और ये ऐसे सुपर हीरो है जो ना तो ओवर पावर्ड है और ना ही अंडर पावर्ड और हम जैसे फैंस इन सुपर हीरो से कनेक्ट भी कर पाते हैं लेकिन बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट टू आएगा लेकिन तब तक अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए तो फिलहाल लिए इतना ही मिलता है अगले वीडियो में तब तक गुड बाय